या मुझे इस मोशो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। इस आदमी ने दिया एक साथ इतने सारे बच्चे को जन्म। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन आपकी स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस इंसान की पूरी कहानी बताते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी का सबसे हसीन पल वही होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि वो नई जिंदगी को जन्म देने वाले हैं। जब एक औरत माँ बनती है तब वो 9 महीने तक एक नन्ही सी जान को अपने पेट के अंदर पालती है, अपनी सांस से उस बच्चे को सांस देती है, अपनी खुराक से उस बच्चे का पेट भरती है और 9 महीने के लिए बच्चे की पूरी दुनिया माँ की कोख में होती है, जहाँ उन्हें हर वो चीज मिल जाती है जिसकी उन्हें जरूरत है और यह एहसास एक माँ के लिए बड़ा ही खास होता है। पर दोस्तों अब केवल औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी इस दुनिया में बच्चों को जन्म दे रहे हैं। सुनने में चीज आपको अजीब लग रही होगी पर इसकी पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना तो हैरत में पड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों किसी भी शख्स को बाप बनने की खुशी और उसका सुख तभी मिलता है जब खुद उसके बच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इंसान दुनिया भर की चाहे जितनी भी टेंशन क्यों ना ले ले, लेकिन जब उसके सामने उसके बच्चे का चेहरा आता है तो उसकी सारी टेंशन छुमंतर हो जाती है। लेकिन जब किसी मर्द के लिए अपने बच्चे को जन्म देने की बात आती है तो ये चीज प्रकृति के खिलाफ लगती है। पर दोस्तों हम आपको बता दें, थॉमस दुनिया का ऐसा पहला मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। जर्मनी के रहने वाले थॉमस ने साल 2007 में अपने बच्चे को IVF टेक्नोलॉजी की मदद से जन्म दिया और इसी के साथ थॉमस इस दुनिया का पहला ऐसा मर्द बना जिसने मर्द होकर न सिर्फ बच्चे को कोख में रखा बल्कि उसे जन्म भी दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ने किसी भी मर्द को बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं बनाया। ये अनोखी शक्ति सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में थॉमस जो इस वक्त मर्द है वो पहले नहीं था, मतलब थॉमस ने एक लड़की के शरीर में जन्म लिया था और ये एक महिला हुआ करता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये अंदर से लड़का है जो लड़की के शरीर में फंस गया है, तो इसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया। अब अपने जेंडर चेंज करवाने के बाद ये महिला से मर्द तो बन गया लेकिन इसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे को जन्म देने की काबिलियत इसके पास मौजूद थी। जहां 2002 में ये पूरी तरह से मर्द बन चुका था, जिसके बाद इसकी शादी नैन्सी नाम की एक महिला से हुई। लेकिन कुछ वजहों से नैन्सी मां नहीं बन सकती थी, इसी कारण थॉमस ने यह निर्णय लिया कि अब वो अपने बच्चे को पैदा करेगा, जिसके लिए थॉमस और उनकी बीवी ने IVF टेक्नोलॉजी की मदद ली और ये मदद पूरी तरह से कारगर साबित हुई। थॉमस बच्चा कंसीव करने में सफल रहा, जिसके बाद वो एक ही बार में बच्चे की माँ और बाप दोनों बन गया। तो दोस्तों है ना एकदम हैरान कर देने वाली कहानी। पर इससे भी ज्यादा हैरान आप हमारे अगले किस्से को सुनकर होने वाले हैं। लॉरेन नाम की एक महिला जो अमेरिका में रहती थी और इनका वजन बहुत ही ज्यादा था, जहां 3 बच्चों को जन्म देने के बाद इनका वजन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद इन्होंने अपनी बच्चादानी को बंद करवाने का निर्णय लिया ताकि ये दोबारा से बच्चा कंसीव न कर पाए। पर दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे हैरान करने वाले किस्से होते हैं जिन पर शायद ही कोई यकीन कर पाए, क्योंकि अपनी बच्चादानी बंद करवाने के 6 साल बाद भी लॉरेन प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अपने 4th बच्चे को जन्म दिया। जाहिर सी बात है, इस तरह के इंसिडेंट से लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान हो गए कि महिला के बच्चादानी बंद के बावजूद वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। पर दोस्तों उम्र, वजन और ट्यूब बंद होने के बावजूद भी लॉरेन 4th बच्चे को जन्म देती है। उसके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो बहुत थी लेकिन लॉरेन बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और उसका यह फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि मुश्किलों के बावजूद उसका बच्चा आज भी जिंदा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वरना बच्चादानी बंद होने के बावजूद कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर महिलाएं प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं पर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है और इस टाइम पर डॉक्टर सिर्फ यही सलाह देते हैं कि बच्चा गिरा देना चाहिए। ऊपर से लॉरेन का वजन भी ज्यादा था, यानी इनकी समस्या और भी बड़ी थी। पर वो कहते हैं ना कि एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता, और पेट में जब बच्चा होता है तो कोई भी माँ उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती,
इसलिए अपनी जान को खतरे में डालकर लॉरीन ने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और आज ये अपने परिवार के साथ हंसी खुशी है। और दोस्तों, हमें ऐसा ही कुछ हैदी लेगिन नाम की एक महिला के साथ भी देखने को मिला। इनकी उम्र 33 साल की थी और प्रेगनेंसी के 9 हफ्तों बाद में पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, पर प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद इन्हें ये भी पता चला कि ये कैंसर से जूझ रही है। अब आप खुद ही सोचिए, इस प्रेग्नेंट लेडी का कैंसर की बीमारी से जूझना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और इस फैसले से इन्होंने ये सोचा कि ये कम से कम कीमोथेरेपी करवाएंगी। प्रेगनेंसी के दौरान कीमोथेरेपी करवाना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, जहाँ कीमोथेरेपी से बच्चे की माँ के साथ साथ बच्चा भी मर सकता है। ये बहुत ही कठिन सिचुएशन होती है, लेकिन स्टेज 4 के कैंसर में कीमोथेरेपी करवानी भी जरूरी है, वरना वो मर जाती। जिसका मतलब साफ है कि वो अपने बच्चे के साथ इस नई दुनिया को देखना चाहती थी, इसलिए उसने रिस्क लेना ही सही समझा। और डॉक्टर ने कहा, आप अपनी थेरेपी शुरू कीजिए, लेकिन उसकी डोज कम रखना। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपकी कंडीशन इतनी खराब है कि हाई डोज ही आपको बचा सकती है। इसलिए डॉक्टर के साथ पूरा सलाह मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि हाई डोज दिए जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चा मर गया। ये खबर एक माँ के लिए बहुत ही दुखदायक थी, उस माँ के लिए जो खास करके पहले से ही कैंसर से जूझ रही हो। लेकिन उस महिला के पहले से 2 बच्चे थे, इसलिए उसने थोड़ा हौसला रखा, वरना तो उसके लिए जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होती। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।